वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग पीसफुल। सो दोस्तों, देश भर से खबर आ रही है कोल शॉर्टेज की। कोलों की कमी की वजह से इलेक्ट्रिक क्राइसिस देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने लोगों को कहा है कि 6 बजे के बाद एसी का इस्तेमाल करना अवॉइड करो बिजली बचाने के लिए। इस साल की गर्मी थोड़ी ज्यादा ठंडी रह गई थी। अनविजिबली कोल्ड वेदर कंडीशन रही थी यूरोप में, जिसकी वजह से गैस की जो डिमांड थी वो बढ़ गई और इसकी वजह से जो प्राइस था नेचुरल गैस का वो बढ़ गया। कई कंट्रीज जैसे कि यूके मजबूर हो गई अपने पुराने कोल पावर प्लांट्स को स्विच ऑन करने पर, क्योंकि एनर्जी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे तो कोल की डिमांड भी बढ़ गई। इनफैक्ट 13 इयर्स रिकॉल हाई प्राइस ऑफ कोल देखने को मिला कोल का। नदी के दूसरी तरफ चाइनीज सोशल मीडिया में करीब कुछ 15 दिन पहले एक खबरें सुनने को मिल रही थी कि लिफ्ट में कुछ लोग अटक गए थे। कुछ लोग को वाटर सप्लाई ढंग से नहीं आ रही। कई स्कूल में, कई घरों में लोगों को पावर कट फेस करने को मिल रही है और बहुत सी फैक्ट्रीज बंद पड़ी है। अब चाइना में क्यों बिजली की प्रॉब्लम इतने देखने को मिल रही है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि चाइनीज सरकार ने कोल इंपोर्ट्स को बंद कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड करी थी कि चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोरोना वायरस उनके देश से कैसे निकल के आया और चाइनीज सरकार को ये चीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम डील करना बंद कर दें और नहीं खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया से कुछ। तो कोल की कमी पड़ गई चाइना में। दूसरा रीजन ये है कि चाइना सरकार एग्रेसिवली पुश कर रही है क्लाइमेट रिफॉर्म्स के लिए। चाइनीज सरकार कोशिश कर रही है अपने कोल पर डिपेंडेंट काम कर रही है, जिसके वजह से जिसका ये है और रिन्यूएबल एनर्जी जल्दी से जल्दी स्विच किया जाए। इसके लिए फैक्ट्रीज पर प्रेशर डाला गया कि वो अपने क्लाइमेट गोल मीट करें, लेकिन कोल की इतनी शॉर्टेज हो गई कि सरकार को 3-4 दिन पहले मजबूरन कोल माइल्स बढ़ाना पड़ा। फिर से बेसिक इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ही है, अगर किसी भी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। अब इंडिया पर आते हैं। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि चाइना और इंडिया के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, लेकिन एट द सेम टाइम कि दुनिया के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, लेकिन इतना ही नहीं कि दुनिया के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ कोल भी है, क्योंकि खुद से इतना कोल नहीं बना सकते। इतना बड़े कंज्यूमर है कि यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी कोले को इम्पोर्ट करना पड़ता है और उसके भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है। अगर स्टेटिस्टिक की बात करें तो 2019 और 2020 में 73% कोल जो इंडिया ने कंज्यूम किया था वो इंडिया से आया था, इंडियन कोल था। 28% कोल बाहर से इंपोर्ट किया था। अब इंडिया में क्या रीजन है कोल शॉर्टेज के? पहला रीजन, पिछले साल लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से पूरी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी इंडिया की और पावर डिमांड भी कम हो गई थी उसकी वजह से। लेकिन 2021 में लॉकडाउन हटा, इकोनॉमी वापस रिव्यू कर रही है और पावर डिपेंड वापस इंक्रीज हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है 2021 में। डेटा के आधार पर बात करें तो 2021 के पहले 8 महीने में पावर डिमांड 13.2% बढ़ी है। हमारे देश में आज के दिन भी करीब 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट करी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो कोल की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा रीजन, अब डिमांड तो बढ़ी ही है लेकिन सप्लाई भी कम हुई है। इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया है यूरोप और चाइना हो रहा है उसके वजह से। अब क्योंकि इंटरनेशनल बढ़े हैं कोल के, तो इंडिया ने इंपोर्ट्स करने बंद कर दिए हैं अपने। जैसे कि अगस्त सितंबर में इंडिया ने जो इंपोर्ट्स लिए थे वो 30% कम थे पिछले 7 महीने की एवरेज से, और अगर अगस्त 2021 को कंपेयर करें
अगस्त 2020 से तो 42 यानी कि 42% कम कोल इंपोर्टेड किया है इंडिया ने। सो दोस्तों अच्छी खबर यह है कि सरकार ने जो 2022 के लिए जो टारगेट बनाया था सोलर एनर्जी के लिए, वो हमने एक साल पहले यानी कि 2021 में उसको कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 2021 में अगस्त के 2021 को ये हमने टारगेट क्लियर कर लिया सोलर एनर्जी की तरफ से। सो हमें ज़रूरत होगी कि हमें हम हर चीज़ में ज़्यादा मैक्सिमम हम इस्तेमाल करें सोलर एनर्जी की प्रोडक्ट के लिए, सोलर एनर्जी की चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको इन्फेक्टिव अगर रहेगी, अगर आपको वीडियो इन्फेक्टिव अच्छा लगा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी इजाफा होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका कमेंट आपको क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या इन्फॉर्मेटिव आपको चाहिए कमेंट करिए, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।